क्रिया है, क्या है? योगी क्रिया है। और सर आग लगने के लिए फायर ट्रायंगल होता है, फायर ट्रायंगल में तीन चीजें चाहिए हमें, तो सबसे एक पहले बताइए कौन सी? ऑक्सीजन। आग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। दूसरा ईंधन, अगर ईंधन नहीं होगा तो आग किसका लगेगी? कुछ ना कुछ तो ईंधन चाहिए। गैस निकलती है, गर्मी निकलती है और आग जलती है तो बताइए क्या निकलता है? उसमें एक करता है, कैसे निकलती है? जब जिस पर चीज में वो आग लगती है उस चीज से जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धुआं उत्पन्न होता है तो धुआं निकलता है, वो जहरीली गैस भी हो सकती है और एक नॉर्मल धुआं भी होता है। पहले मैं आपको पर्चे देना चाहूँगा, अच्छा मैं प्रमोद कुमार डागर, सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बरेली। आज किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? आज एलिमेंट्री फायर की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि क्योंकि आजकल आग बहुत ज़्यादा लगती है तो इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, इस वजह से जो है ये ट्रेनिंग दी जा रही है। किस दी जा रही है ये आम व्यापारियों को, जो व्यापारी हैं इनको दिया जा रहा है, क्योंकि दुकानों में अक्सर गर्मी की वजह से आग लग जाती है, तो व्यापारी हैं, कुछ हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन्स भी हैं। मैं राजीव शर्मा, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस बरेली से हूँ। आज का जो विषय है ये एलिगेंट फायर से संबंधित है। वैसे भी 100 दिन का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, माननीय नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार, उप नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार हम लोग उसके कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। जगह जगह पर हम लोग जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है उस जगह पर उसको पूरा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी पंकज ट्रेडर्स के यहाँ फायर हुई थी, तो हमारे काफ़ी वार्डन्स ने उसमें सहयोग किया था फायर ब्रिगेड के साथ में। इसी तरीके से मनोहर ट्रेडर्स के यहाँ हमारे जब फायर हुई थी अभी कुलाड़ा पी पर, तो भी हमारे वार्डन्स वहाँ सक्रिय रूप से लगातार लगे रहे थे। वो इस सक्रियता इस वजह से है कि हमारे सहायक उप नियंत्रक महोदय ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है हमारे वार्डन्स के लिए कि हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। संसाधनों की कमी होने की वजह से वो क्या करते हैं, अग्निशमन अधिकारी के साथ में उनकी सहायता पूर्ण रूप से करते हैं। तो इस तरीके के जो प्रशिक्षण हैं ये आज मैं समझता हूँ 4th या 5th प्रशिक्षण हमारा चल रहा है, और लगातार क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फायर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ पर, हमारा जो सिविल डिफेंस का मेन उद्देश्य यहाँ पर है, वो व्यापारियों को उनसे अवेयर कराना, फायर से अवेयर कराना, जागरूकता कराना, और उस तरीके से जिस तरीके से फायर ना लगे उसकी चीज़ों के लिए अवॉइड करना। तो ये हमारा आज का उद्देश्य है। और आज हमारे यहाँ कम से कम यहाँ 20-25 वार्डन्स आए हुए हैं और हमारे व्यापारी भी आ रहे हैं, जिनको कि सहजता से हमारे डागर सर जो है, किसी परिवार में आग लग जाती है जी, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? देखिए फायर किस तरीके से हुई है, किस कैसे हुई है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। मैं ये समझता हूँ सबसे पहला काम जो होता है किसी के यहाँ फायर लग जाए तो अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए उसके लिए, और धैर्य के साथ अगर हम उसको काम को करें। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर पेट्रोल की फायर होती है तो हमारे यहाँ जैसे ट्रेनिंग करके ये बताते हैं कि उसके ऊपर एक कपड़ा जो है वो डाल दिया जाता है, कंबल डाल दिया जाता है, जिससे कि वहाँ एयर का कोई भी वो ना हो पाए, एयर उसके अंदर ना पहुँच पाए, क्योंकि एयर जो है वो एक सप्लीमेंट्री होती है, वो एक उसको फायर को आगे बढ़ाती है। तो इस तरीके के जैसे जैसे होते हैं, कहीं बिजली की फायर होती है तो वहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके का वो करते हैं। वैसे तो आमतौर पर आजकल जो बिजली के सर्किट लग रहे हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी जैसी जैसी जहाँ फायर है, फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोग आजकल प्रयोग कराते हैं, किस किस तरह CO2 फायर का जो है वो फायर किस तरीके से कैसे बुझाई जाए। तो जगह जगह पर जो जो इंतजाम आते हैं उसके साथ साथ हमारे वार्डन एक काम और कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर कोई अच्छी दुकान है, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर जाके फायर एक्सटिंग्विशर अगर उनकी डेट निकल गई है तो उनको आगाह भी कर रहे हैं कि भाई आपकी ये फायर एक्सटिंग्विशर की डेट निकल गई है, इसको रिफ़िल कराइए, इसको कायदे से कराइए। तो ये अवेयरनेस एक हमारा पूरे बरेली शहर में, हमारे 3 प्रभाग हैं और तीनों प्रभाग में हमारे डागर जी जो हैं लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन वो भी लगातार जो है अवेयर करा रहे हैं,
हमारे डिविजनल वार्डन रिजर्व हैं, ये भी लगातार इस तरीके से हमारी पूरी टीम, और मैं ये बड़ा गर्व करता हूँ अपनी पूरी टीम के ऊपर कि कहीं ना कहीं इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि फायर या आग क्या है, क्या इसकी परिभाषा है? आग क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी आग करने के लिए तीन चीज़ें।